अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड देन उसके अंदर पर कुछ सब टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके सिनेरियोस आते हैं एंड पे उनको भी देखेंगे। सो जो मेजर टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। और मैल एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि जब जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफेक्टिव हो जाए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन? तो आपको बताया कि हम लोगों ने जो भी खाना खाना है वो इसोफेगस में, देन स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वहाँ से आईलियम के लेवल पर बेसिकली एब्जॉर्ब होकर समझ लो हमारी सर्कुलेशन में जाता है। लेकिन अब इन लोगों के अंदर, किन लोगों के अंदर जो कि कुछ डिजीजेस के लिए प्रॉन हैं, अभी उन डिजीजेस की बात करेंगे, उन लोगों में यहाँ इंटेस्टाइन के लेवल पे कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। आइदर इन्फेक्शन है जैसे कि विपल डिजीज में होता है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ऐसा हो रहा है जैसे सीलियक डिजीज में होता है, या HIV रिलेटेड एंटेरोपैथी, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंटेस्टाइन के लेवल पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जब इंटेस्टाइन के लेवल पर प्रॉब्लम है तो ये खाना यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि सारे का सारा जो है वो थ्रू फीसेस बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाले जो पेशेंट हैं इनके अंदर डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है। कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती? सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। नंबर वन, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, दोनों तरह के विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। सेम एज बिटे जो प्रोटीन है वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। कार्ब्स की हम बात करें वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। इसी तरह लिपिड हैं, हेंस के जितनी भी चीज़ें हैं उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल हैं, वाटर है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल है, वाटर है, ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब जब ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एक तो पेशेंट बहुत ही कमज़ोर होता जाएगा, फेलियर टू थ्राइव की कंप्लेंट्स के साथ आपके पास आता है। दूसरी बात है जब ये खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो जाहिर है ये बाहर आ रहा है। जब ये बाहर आ रहा है तो दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है, मोस्टली क्रॉनिक डायरिया या स्टिटोरिया, ठीक है। डायरिया का तो आपको पता है लूज मोशन, स्टिटोरिया का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा बल्कि फ्रॉदी फीसेस होते हैं, ठीक है, बल्कि हैवी फीसेस, क्योंकि जाहिर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सब कुछ बाहर आ रहा है और उनको फ्लश करना डिफिकल्ट होगा, या फ्लोटिंग फीकल मटीरियल, इस तरह की चीज मेंशन जो है वो आपके पेपर में कर देंगे, जैसे आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ मैल एब्जॉर्प्शन है, कुछ ना कुछ सिनेरियो में इंटेस्टाइन के लेवल की बात चल रही है। सो मैं बता रही हूँ कि डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन में कोई ना कोई यहाँ पे पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। और मोस्ट कॉमन अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो आपने याद रखना है, क्रॉनिक डायरिया के साथ पेशेंट आता है। इसका मतलब है मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम के अंदर जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हैं, सीलियक है, टॉपिकल स्प्रू है, GIDSS है, या फिर हम ब्लाइंड लूप सिंड्रोम की बात करेंगे, उसके अलावा हम लोगों ने लैक्टोज इंटॉलरेंस देखना है, या HIV एसोसिएटेड एंटेरोपैथी, तो ये सब कुछ DDs में आता है, क्रॉनिक डायरिया के। सो बहुत दफ़ा केसेस देके, क्रॉनिक डायरिया देके DDs पूछे जाते हैं, तो आपने ये सब जहन में रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम मेल एब्जॉर्प्शन के हॉलमार्क की बात करें, ये भी MCQ आ सकता है, तो इसका हॉलमार्क बेटे स्टिटोरिया होता है, यानी दो ही चीज़ें हैं, या तो वो मोशन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, या फिर हैवी बल्कि फीसेज होंगे जिनको इवन फ्लश करना मुश्किल होता है, उसको हम स्टिटोरिया कहते हैं, बहुत बल्कि, चूँकि उसमें सारा फैट आ रहा होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब पेशेंट को मैल एब्जॉर्प्शन है तो उसमें ज़ाहिर है विटामिन की डिफिशेंसी है, और विटामिन डिफिशेंसी के कुछ प्रेजेंटेशंस हैं जिनकी आपकी बुक में बात की हुई है। सो ब्रॉडली उनको देखते हैं, फिर इंडिविजुअल सिंड्रोम्स को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीलिएक करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको क्या लगता है विटामिन ए डिफिशेंसी हो, विटामिन डी, विटामिन के, या विटामिन B12 डिफिशेंसी हो, तो पेशेंट के अंदर क्या मसले होते हैं? यस, कुछ हद तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। विटामिन ए बेसिकली बेटे हमारी विजन के साथ एसोसिएटेड होता है। सो अगर विटामिन ए डिफिशेंसी है तो एक तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और दूसरा हमारे पास हाइपर केराटोसिस शुरू हो जाती है, जिसको हम फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी की डिफिशेंसी है तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। सो हाइपोकैल्सीमिया होगा, कैल्शियम नहीं है तो बोन से कैल्शियम निकल के सीरम में आएगी और बोन में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाएगी। विटामिन के की डिफिशेंसी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिवर के अंदर जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट में, सो वो एक्टिवेट नहीं होंगे, कोएगुलेशन अचीव नहीं होगी, ब्लीडिंग और इजी ब्रूजिंग जो है वो पेशेंट को हो सकती है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है कि अनीमिया होता है, और इसके अंदर हम देखेंगे MCV जो है वो पेशेंट का रेस्ट होता है, और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। सो ये वैसे उन्होंने कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है तो हमने भी डिस्कस कर लिया। अब बेटे हम लोग मेल एब्जॉर्प्टिव डिजीजेस में से पढ़ने लगे हैं, सबसे पहले सीलियक डिजीज को। सीलियक डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आ जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सीलिएक डिजीज़ का सिनेरियो, कुछ लोग नहीं बल्कि मैं अपना ही बता देती हूँ, हमारे प्रोफ में भी एक क्वेश्चन था और उसमें था कि जी 12 साल की बच्ची को एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड दैट ना, तो मुझे लगा कि नहीं यार, सीलिएक तो जब वो 2-3 साल की होगी, जब उसको गंदम शंदम देना शुरू किया होगा तो सिम्टम्स तब आने चाहिए थे, 12 साल पर नहीं आने चाहिए थे, तो फिर मैंने इसको सीलिएक नहीं किया, हालाँकि वो सीलिएक था। तो आपने याद रखना है कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना, मैं आगे पढ़ाती हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन इन्फेंसी में, यानी अगर बहुत सवेयर है तो वो बुक में लिखता है कि अगर सवेयर है तो जब वो 1.5 से 2 साल में उसकी माँ ने उसको खाना पिलाना शुरू किया तो तब भी उसको डायरिया शरिया होगा, उसकी मदर उसको ले आएगी। लेकिन चाइल्डहुड में भी 12, 13, 14 साल की वुमेन भी या बच्चा या लड़का भी सीलिएक की प्रेजेंटेशन के साथ आ सकता है, और इवन एडल्टहुड में 30, 32, 36 साल की वुमेन भी, जब वो कह दे 32-year-old वुमेन थी और वो आई है एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ और डायरिया की कंप्लेन के साथ और फेलियर टू थ्राइव है, और साथ तो उसमें ना एसोसिएट कर देता है किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ को, कि उसको थायराइडाइटिस है या उसको SLE है या कोई भी और डिजीज़ है, ठीक है, फिर हमें पता चलता है तो इंटेस्टाइन का मसला है, ऑटो इम्यूनिटी भी है, तो ये एग्रीवेट हुआ होगा। सीलिएक पहले से था लेकिन वो दबा हुआ था और अब इस एज में आके वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया और पेशेंट हमारे पास आई है, ठीक है। तो एक तो आज आपने ये कॉन्सेप्ट रखना है कि सीलिएक सिर्फ प्रेजेंट बच्चों में नहीं करता, किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट करता है और मोस्टली एडल्टहुड में भी करता है। सो अब बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सीलिएक डिजीज़। सो सीलिएक डिजीज़ को बेटे हम लोग ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी, ठीक है। अब ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी का मतलब है इनकी जो इंटेस्टाइन है उसमें एक पैथोलॉजी शुरू होती है ड्यू टू ग्लूटेन, समझ आ रहा है, ये नाम भी इंडिकेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन लोगों के अंदर बेसिकली पैथोलॉजी होती क्या है। तो आपने याद रखना है बेटे कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जेनेटिकली ऑल्टरेशन होती है HLA-DR2, और जो हमारे पास HLA-DQ2 एंड DQ8 वाले लोग होते हैं वो ज़रा इसके लिए प्रॉन होते हैं। होता ये है इस ऑटो इम्यूनिटी में, आसान सी बात आपने याद रखनी है कि जब भी ये लोग जो है वीट हो गया, राय हो गया, बर्ले है या ऑट्स हैं या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ग्लूटेन एंड ग्लाइडन होता है, जब ये खाते हैं तो इसके अंदर मौजूद होता है ग्लूटेन जो कि इंटेस्टाइन में जाके कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइडन में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ना ऐसे बस थ्रेटिकली इंटेस्टाइन ड्रॉ करती हूँ कि ये इंटेस्टाइन के एपिथीलियल सेल्स हैं और ये इनके ऊपर ना विलाइज हैं, और आपको पता है विलाइज यहाँ पर मौजूद होते हैं एब्जॉर्प्टिव एरिया एन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप समझ लो कि दिस इज द ग्लूटेन एंड ग्लाइडन, तो ये जब ग्लूटेन जो है वो अंदर जाता है तो ये यहाँ पे ग्लाइडन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाती। जैसे ही ये ग्लूटेन या ग्लाइडन अंदर पहुँचता है इंटेस्टाइन इधर एपिथीलियल सेल्स में, तो यहाँ से बॉडी जो है वो इसको ना कोई फॉरेन एजेंट समझती है, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है कि इसके अगेंस्ट, यहाँ पे आपने याद रखना है, एक तो नंबर 1 टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, एक एंटीजन एंटीबॉडी की तरह का यहाँ पे रिएक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, और ये सारा एरिया जो है वो शट ऑफ होके इस पेशेंट को क्या हो जाता है, डायरिया होता है। तो अब इस डायरिया में ना सिर्फ ग्लूटेन शूटिन भी निकल जाता है बल्कि ये साथ में जो आपके विलाइज हैं इनकी भी एट्रॉफी होती है और ये भी डिस्कार्ड हो जाते हैं। सो इस पेशेंट के अंदर अगर हम देखें तो हमें विलस एट्रॉफी मिलती है, ठीक है। इनिशियली टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है लेकिन उसके बाद जो है वो anti-IgA एंटीबॉडीज़ भी बन जाती हैं, और ये जो IgA एंटीबॉडीज़ हैं ये डिफरेंट तरह की हैं, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी है, ग्लाइडन एंटीबॉडी है, और एक और तरह की होती है जो भी मैं आपको डायग्नोसिस में कराऊंगी। तो आपने याद रखना है कि इन लोगों की जेनेटिकली जीन्स इस तरह से ऑल्टर होती हैं कि जब भी ग्लूटेन या ग्लाइडन इनकी डाइट में आता है तो ये की वजह से एक इम्यून रिएक्शन स्टार्ट कर देती हैं एट द लेवल ऑफ इंटेस्टाइन, और फिर इंटेस्टाइन्स में से विलाइज भी शेड होते हैं और वो सारा मटेरियल भी बाहर जाता है और पेशेंट को डायरिया होता है, और वो ये बात है कि वो हजम नहीं कर सकता, ठीक है। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब मेरा बेटा बस ना मैं रोटी देती हूँ, कोई सख्त चीज़ दे देती हूँ तो उससे ना हजम नहीं होती, ठीक है। अब हजम नहीं होती, अच्छा, तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि ग्लूटेन एंड ग्लाइडन से जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, और जैसे ही ग्लूटेन एंड ग्लाइडन जो है वो एक्सपोज होता है एपिथीलियम में आता है और एक इम्यूनिटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि ना सिर्फ इंटेस्टाइन की डिस्ट्रक्शन करता है बल्कि एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया भी कम कर देता है और सारे जो भी कॉन्टेंट है उसको डायरिया की नज़र कर देगा, ठीक है। तो ये एक पैथोजेनेसिस जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा, आप लोगों को पता है कि ये जो है वो जेनेटिकली एक डिजीज़ है और इसकी एसोसिएशन भी होती है बहुत सारे अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ। तो बहुत दफ़ा
आपसे MCQ या CQ में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से दूसरे डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है, जिसका एक पूरा चार्ट बना हुआ है, पूरा एक टेबल सा बना हुआ है डिविटसन के अंदर, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली जो HLA-DQ2 है और DQ8 है, ये इसके अंदर जो म्यूटेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर सीलियक डिजीज़। ठीक है बेटे, सो ये इसकी आसान सी पैथोजेनेसिस और डेफिनेशन हो गई। अब बात ये कर लेते हैं कि पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जाहिर है जब भी ये लोग ग्लूटेन एंड ग्लाइडेन खाते हैं तो इनकी जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न होती है वो क्या होती है, डायरिया। ठीक है, जेंडर वाइज आपने याद रखना है कि फीमेल्स जो हैं वो दो गुना ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, नंबर वन। नंबर टू, आपने याद रखना है कि इनके अंदर हिस्ट्री होती है क्रॉनिक डायरिया की। ये नहीं कि एक दो दिन डायरिया होगा माँ लेगी, वो कहेगी जब से मैंने इसको खाना खिलाना शुरू किया या गंदम देना शुरू किया है तो मैं देख रही हूँ कि कंटिन्यूसली जो है वो इसको डायरिया ही रहता है। ठीक है, नंबर टू, ज़ाहिर है बेटे की जो भी खुराक है वो निकल रही है और गंदम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है खुराक का, तो उसकी वजह से फिर इसको वेट लॉस एंड फ्लटेंस जो है वो भी हो सकती है। एंड साथ में अगर हम देखेंगे तो माल नरिश तो वो होगा ही होगा, साथ में कैल्शियम और सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी की वजह से, जैसे हमने ऊपर भी कहा कि उन लोगों को क्या होगा साथ में, ऑस्टियोपोरोसिस होगी। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा इनके अंदर प्रोटीन्स कम है, मिनरल्स कम है, विटामिंस कम है, ये कमज़ोर होते जा रहे हैं, इनका वजन कम है, वेट लॉस हो रहा है, जोड़ों हड्डियों का दर्द है, और अगर हम लोग देखेंगे तो ये अनिमिक भी होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है वो B9 और B12 की डिफिशेंसी है और उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, इनको अनीमिया भी हो जाएगा। ठीक है, सो अनीमिया जो है वो आगे से दो तरह का हो सकता है, एक तो माइक्रोसेप्टिक हो सकता है और मैक्रोसेप्टिक हो सकता है। माइक्रोसेप्टिक होता है जब आयरन डेफिशिएंसी हो रही होगी, और अगर B9 और B12 की डेफिशिएंसी होगी तो उससे मैक्रोसेप्टिक एनीमिया जो है वो इन पेशेंट्स में हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आई डोंट नो ये मक्खी क्यों दंग करी है हमें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है बेटे कि इनके अंदर ना एक चीज़ हो सकती है जिसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, और तकरीबन जो 10% पेशेंट हैं सीलिएक के उनके अंदर क्या होता है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस भी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस? इसके अंदर बेसिकली प्रोडक्टिक खारिश वाली पेप्यूलो वेजिकुलर लीजन्स बनी होती हैं। ठीक है, और इस तरह से करके वो लीजन्स बनी होती हैं जो बहुत ज़्यादा खारिश करती हैं, और ये लीजन स्पेशली एक्सटेंसर सरफेसेस पे होती हैं। किस एक्सटेंसर सरफेस पे होती हैं? आपकी जो एल्बो है, नी है, और स्पेशली जो बटक्स का रीजन है, बटक एरिया है, वहाँ एक्सटेंसर सरफेसेस के ऊपर आपने याद रखना है कि क्या होती हैं हमें ये प्रोडक्टिक सी पेप्यूलो वेजिकुलर लीजन्स जो हैं। सकते हैं पेपर में जो सीलिएक डिजीज़ है इसकी बहुत सारे दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ भी एसोसिएशन होती है, और आपको एटलीस्ट 5 या 6 जो हैं वो इनलिस्ट करने आने चाहिए। ठीक है, सो अगर हम इसकी एसोसिएशन की बात करें तो जो दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस है, जिसमें आपको पता है एसिटाइलकोलीन के जो रिसेप्टर्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि SLE है, और SLE के अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी नॉन हॉजकिन लिम्फोमास वगैरह हैं उनके अंदर भी टेंडेंसी है, या सीलिएक में टेंडेंसी है कि उनके साथ को एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस जो type 1 जिसमें भी ऑटोइम्यून एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, और उसके अलावा थायरॉयडाइटिस में जो ऑटोइम्यून थायरॉयडाइटिस दैट इज़ बेसिकली हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस वो भी एसोसिएटेड हो सकता है सीलिएक डिजीज़ के साथ। उसके अलावा बेटे उसने बताया हुआ है प्राइमरी बिलरी सिरोसिस, तो ये आपको 5, 6, 7, 8 तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का पता होना चाहिए जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं इन एसोसिएशन विद सीलिएक डिजीज़। ठीक है, अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अगर एक सीलिएक डिजीज़ का पेशेंट आ गया है तो हमने उसको किस तरह से डायग्नोस करना है। डायग्नोसिस से पहले मैं यहाँ पे दोबारा बता दूँ कि जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन है वो इन्फेंसी भी हो सकती है, जैसे ही मदर ने उसकी वीनिंग स्टार्ट की उसको डायरिया और वो कमज़ोर होता जा रहा है दिन ब दिन वो आपके पास ले आई, या फिर चाइल्ड हुड में भी 10 से 12, 14 साल के बच्चे को भी बुला सकते हैं, फेलियर टू थ्राइव, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एंड उसके साथ जो है वो क्लबिंग भी मेंशन करते हैं सब टाइम, क्योंकि सीलिएक में क्लबिंग भी होती है, और साथ में कहेंगे डायरिया है। ठीक है, सो ये हो सकता है, और फिर आपने उसको ऑटोइम्यूनिटी के लिए रूल आउट करना होगा, और पेशेंट एनीमिक है दिस एंड दैट। और अडल्टहुड में, और अडल्टहुड में यूजुअली फीमेल का सिनेरियो देते हैं जिसमें वो आपको बता देते हैं कि जी 32 या 34 या 36 ईयर ओल्ड वुमन है, और उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, और स्टेटोरिया है, और उसको क्लबिंग है या अनीमिया है। ठीक है, और साथ में उसको हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस भी था या माइस्थीनिया भी था, तो कोई ना कोई एक तो इंटेस्टाइन की कंप्लेंट, और इंटेस्टाइन के साथ ऑटोइम्यूनिटी को जब लिंक करते हैं तो आप फौरन जो है वो मैल
एब्जॉर्प्टिव और मैल एब्जॉर्प्टिव में से भी सीलिया की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। सो हम केसेस एंड पे इंशाल्लाह करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बेटे डायग्नोसिस के लिए आपने याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस हैं। नंबर वन ये हम करते हैं कि एंडोस्कोपिक बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एंडोस्कोपिक बायोप्सी है ये गोल्ड स्टैंडर्ड डिक्लेयर होती है फॉर सीलिया डिजीज। अब ये क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड डिक्लेयर होती है, ये हमने लेनी कहाँ से होती है, मोस्टली वो आपसे साइड भी पूछ लेते हैं। तो जो ड्यूडनम और प्रॉक्सिमल जेजनम है ना, वहाँ से हम ये टुकड़ा एक इंटेस्टाइन का ले लेते हैं। अब इंटेस्टाइन के इस टुकड़े के अंदर हमें तीन चीज़ें मस्ट मिलती हैं। नंबर वन बेटे आपको विलस एट्रोफी मिलती है, क्योंकि हमने कहा कि विलाइज भी डिस्ट्रॉय होते हैं, इम्यूनिटी की नज़र होते हैं और बॉडी से निकलते जाते हैं। नंबर टू जो क्रिप्ट्स होती हैं वो हाइपरप्लास्टिक हुई भी होती हैं टू कंपनसेट, ठीक है। सो क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया मिलता है। और नंबर थ्री चूंकि इम्यूनिटी है तो वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये कोई एक दो दिन की बात तो नहीं होती है, क्रॉनिक ही होता है। तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी हैं जो आपको एंडोस्कोपिक बायोप्सी पे मिलती हैं। नंबर टू बेटे हमने कहा कि इसके अंदर जो है वो IgA एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो डिफरेंट तरह की हैं। सो हम IgA एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको भी रूल आउट कर लेते हैं। सो आपने याद रखना है कि तीन तरह की एंटीबॉडीज़ हम देखते हैं। नंबर वन हम देखते हैं एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडी, ठीक है। नंबर टू हम लोग देख रहे होते हैं एंटी एंडोमाइसियल IgA एंटीबॉडी, ठीक है। सो एक टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज हो गई, दूसरी हमारे पास एंटी एंडोमाइसियल हो गई, और नंबर थ्री हमारे पास क्या होती है एंटी ग्लाइडन एंटीबॉडी, ठीक है। सो ये तीन आपने याद रखना है, एक टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज है, एक एंडोमाइसियल है और एक ग्लाइडन है। जो ग्लाइडन है वो 80% तक स्पेसिफिक और सेंसिटिव है, लेकिन इसकी अगर हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये 95% सेंसिटिव जबकि 100% स्पेसिफिक है। इसका मतलब है ये एक एक्सेलेंट स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे यूज़ होती है। जबकि तीनों के अंदर अगर हम बेस्ट की बात करेंगे तो वो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडी है। तो डायग्नोसिस के लिए नंबर वन बेटे हम बायोप्सी करते हैं और नंबर टू हम क्या करते हैं एंटीबॉडीज, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, एंडोमाइसिल एंटीबॉडी और एंटी ग्लाइडन एंटीबॉडी की जाती है। उसके अलावा ना कुछ हम और भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा हैं, जिसमें हम नंबर वन CBC करते हैं टू सी द अनीमिया एंड देन द टाइप ऑफ द अनीमिया। उसके बाद हम सीरम कैल्शियम लेवल हैं, सीरम एल्ब्यूमिन लेवल हैं, सीरम विटामिन लेवल्स हैं ये, एंड इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए ESR हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कर सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जो आपने मस्ट मेंशन करने हैं वो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ की मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट भी डिपेंड करती है बहरहाल सिनेरियो के ऊपर, लेकिन ऐसा बड़ा ही काम होता है कि इसका कोई पेशेंट एमरजेंसी में आ जाए हमें मैनेज करना पड़े। लेकिन स्टिल आप देखो कि एक बहुत ही ऐसा पेशेंट था जिसको पहले नहीं ला सके, कंटिन्यूस डायरिया रहा, खाने के काबिल नहीं रहा, कमज़ोर होता गया और बिल्कुल पेल पड़ गया और उससे उठा भी नहीं जा रहा, और फिर हॉस्पिटल ले आए और आपने CBC की और हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 5 या 4 इतना तक जा रहा है, तो तब फिर वो एक इमरजेंसी है ज़ाहिर है। फिर आपने उसको ज़ाहिर है एडमिट करना है एंड फिर सारी नेसेसरी उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। वरना अदरवाइज हम लोग इसका मेडिकल ट्रीटमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर वन ये कि इन पेशेंट्स को कहा जाता है कि ये ग्लूटेन फ्री डाइट यूज़ करेंगे, ठीक है, ग्लूटेन फ्री डाइट और लाइफ। और हम कह देते हैं कि उन सारी चीज़ों में से वीट, जिन भी चीज़ों में वीट मौजूद है आप उनको परहेज करें, ठीक है। और इसके लिए काउंसलिंग भी बड़ी अच्छी की जाती है। उसके बाद नंबर टू ये होता है कि अगर हम देखें कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है या इन्फ्लेमेशन है तो टेम्परेरीली उसके लिए साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट दी जाती हैं, लेकिन ये मोस्टली हम रिफ्रैक्टरी केसेस में देते हैं, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जिसको आप लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या सपोर्टिव मैनेजमेंट कह सकते हैं कि जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है, यानी हमने कहा कि हमें पता है कि इन पेशेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी है। अच्छा, हमने कहा कि इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो हमें पता है कि जी आयरन की कमी हो रही है, विटामिन की कमी हो रही है, फैट की कमी हो रही है, तो बाहर से हम आयरन है, फोलेट है, विटामिंस हैं और उसके बाद कैल्शियम है, ये सप्लीमेंट्स की फॉर्म में दे सकते हैं जिसको आप कंजर्वेटिव या सपोर्टिव मैनेजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ आ जाती है रिफ्रैक्टरी केसेस। रिफ्रैक्टरी केसेस में फिर हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ेंगे जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट हमें एज सच नहीं करनी पड़ती, ना ही रिकमेंडेड है। लास्ट चीज़ आपने याद रखनी है बेटे कि इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो हम ये पेशेंट को बताते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर आपने एहतियात ना की तो लिम्फोमा हो सकता है और इंटेस्टाइनल कैंसर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो अब मुझे कैमरे ने बड़ा तंग किया हुआ है, बट स्टिल
हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम, और उसके अंदर भी हमने पढ़ा है बेटे सीलियक। ठीक है, सीलियक है था क्या था, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी है जिसमें इंटेस्टाइन के लेवल पे पैथोलॉजी चलती है क्योंकि पेशेंट ग्लूटेन से सेंसिटिव होता है, और ग्लूटेन इन सारी चीज़ों में होता है, और ज़्यादातर इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया, फेलियर टू थ्राइव एंड स्टिटोरिया, एंड देन ये भी हो सकता है कि जब से ग्लूटेन शुरू किया तब ये मसले हुए, और उसके अलावा जो है वो काइलोनेकिया, उसके बाद क्लबिंग, और ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और साथ में ऑटो इम्यूनिटी भी एसोसिएटेड बता सकते हैं। सो इसकी एसोसिएशन होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ। आपने डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी, एंटीबॉडी के लेवल करने, और मैनेजमेंट में आपने इसको ग्लूटेन फ्री डाइट बस ये मेंशन कर दें। रिफ्रैक्टरी केसेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, और साथ में सपोर्टिव मैनेजमेंट में जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं आप उनको सप्लीमेंट्स के थ्रू करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अलावा जो अदर मैल एब्जॉर्प्टिव डिजीजेज हैं वो इतने खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बात मैंने आपको ये भी बतानी थी बेटे कि चूंकि इसमें मैंने आपको कहा ना विल्लस एट्रोफी है, तो विल्लस एट्रोफी बहुत सारे अदर डिजीजेज में भी हो सकती है। ठीक है, सो आपसे समटाइम पूछा जाता है कि एक पेशेंट था और एंडोस्कोपी हुई और बायोप्सी हुई और विल्लस एट्रोफी मिली तो इसके डीडीज लिखे। ठीक है, तो विल्लस एट्रोफी के डीडीज में सीलिएक आता ही आता है, उसके बाद जीआईडीएसएस आता है, उसके बाद एचआईवी एसोसिएटेड एंटेरोपैथी आती है, उसके बाद विप्पल डिजीज आता है, और टॉपिकल स्प्रू आता है, और कुछ लिम्फोमास भी। ठीक है, सो ये आप लोगों को डीडीज पता होने चाहिए विल्लस एट्रोफी के भी। बाकी जो मैं आपको बता रही हूँ मैल एब्जॉर्प्टिव इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी इतनी डिटेल जरूरत नहीं है, उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम उनको कवर कर लेंगे। तब तक मैं ज़रा इस फ़ोन को भी सेट कर लूँ।